बोरीवली पुलिस ने सेठ बिल्डर और उसके चार साथियों के ऊपर ठगी और फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज किया है। मामला बोरीवली के रहने वाले गुप्ता परिवार का है, जो मलाड की एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर चीटिंग करने का मामला सामने आया। फरियादी गुप्ता परिवार का कहना है कि उनके चाचा ने ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बिल्डर के साथ मिली भगत करके झोल झाल किया। बोरीवली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और चीटिंग का मामला दर्ज किया है और अभी इस मामले की जांच की जा रही है। देखना यह है इन पांचों ठगों की बोरीवली पुलिस कब गिरफ्तारी करती है और हमारे परिवार को न्याय कब मिलेगा। मामला है हमारे फैमिली प्रॉपर्टी का। हम बिलोंग करते हैं एम ए मिठाला फैमिली को। मेरे पिताजी पांच भाई हैं, मनमोहन जी, मदन मोहन जी, जगमोहन गुप्ता, ब्रिजमोहन गुप्ता, राजमोहन गुप्ता। पांचों ने अपने जॉइंट फंड्स, फैमिली फंड्स में से, जो एम ए मिठाई वाला बिजनेस में से कमाया हुआ पैसा है, 1995 में बिल्डर सुरेश रॉफ के थ्रू एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहाँ पैसा हमने लगाया था, कंपनी का नाम उसका यूज़ किया था, उनको 25% वर्किंग पार्टनर रखा था, 75% हमको शेयरिंग मिली थी। और हमने मलाड में एक स्लम की प्रॉपर्टी थी, जिसमें स्कूल और हॉस्पिटल का साथ में रिजर्वेशन था, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो फैमिली की तरफ से ब्रिजमोहन गुप्ता जी को, जो चौथे नंबर के ब्रदर है, फिर पिताजी और मनमोहन जी ने उनको शेयर होल्डर बनाया। और फैमिली के दो और मेंबर, मनमोहन जी के लड़के राजीव गुप्ता और मदन मोहन जी के लड़के मैं विक्की गुप्ता, हमको डायरेक्टर बनाया साथ में, ताकि कंपनी पे कंट्रोल अपना रहे, क्योंकि पैसे हमारे लगे हुए हैं फैमिली के। और इसके बाद 2017 तक बिल्डर ने कुछ काम किया नहीं उस पर। फिर 17 में उन्होंने सेठ बिल्डर को ज्वाइन किया, क्योंकि सुरेश रॉफ जो थे मेरे अंकल ब्रिजमोहन गुप्ता के स्कूल के फ्रेंड थे, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेठ बिल्डर अच्छा काम करेगा, बिल्डिंग अच्छी बनाएगा और अपने को 17,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और स्कूल के जो रिजर्वेशन के राइट्स हैं, उसके सामने जितनी भी FSI या जो बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे अपने को देगा। उसके लिए उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया फैमिली के साथ, जिसमें सिग्नेटरी ब्रिजमोहन गुप्ता हैं और हमारे दो डायरेक्टरशिप छोड़ने की बात है उसमें। और इसके एवज में उन्होंने फिर हमको सबसे पहली बार 2018 में फैमिली को 30 फ्लैट अलॉट किए, पांचों भाइयों को इक्वल 6-6 फ्लैट बना के। बट क्योंकि उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले से ही थी हमारे को धोखा देने की, इसके लिए उन्होंने कोई भी कागज इस तरीके से नहीं बनाया कि जो चीज़ परमानेंटली हमारे हाथ में आ जाए। अलॉटमेंट भी जो दिया हमें गोल गोल बना के दिया, जहाँ लिख दिया कि हमें 1 करोड़ उसको इसके एवज में देना पड़ेगा, जबकि क्लियर बात हुई थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिलेगी। जो 2020 से 2022 के बीच में मेरे खुद विक्की गुप्ता और सुरेश श्रॉफ के बीच में काफ़ी सारे ईमेल्स शेयर हुए हैं, MOU नया बनाने की बात हुई है, वो MOU में वो सारे पॉइंट्स आए हैं। फिर हमारे फैमिली में दो डेथ्स हो गए 2022 और 23 में, और उसके बाद हमने ब्रिजमोहन गुप्ता के साथ जो फैमिली के प्रॉपर्टी का डिवीज़न का केस डाला हुआ है, जिसमें ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, उसके बाद सुरेश रॉफ के ऊपर EOW में हमने कंप्लेंट डाली कि हमारे साथ ऐसे धोखा किया इसने, और वो खुद दूसरे केसेस में, चीटिंग के केसेस में ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में थे, जहां पर बेल के लिए जब उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो हमने अपोज किया, जिसमें पहली बार ब्रिजमोहन गुप्ता ने हमारे साथ भी चीटिंग करी कि नहीं, ये बताते हुए कि प्रॉपर्टी में पैसा मैंने लगाया, सिर्फ मेरा हक है। और उसके बाद मैंने मेरे खुद के नाम से रेरा में कंप्लेंट डाली थी, क्योंकि रेरा इज़ द फर्स्ट बॉडी, क्योंकि यहाँ फ्लैट ओनर्स जुड़े हुए हैं, स्कूल के जो हमारे बेनिफिट्स बनते हैं वो लगभग 83,000 स्क्वायर फीट FSI बनती है, प्लस 17,000 फ्लैट के सामने 1,00,000 स्क्वायर फीट की FSI की बेनिफिट हमें जो मिलनी चाहिए गुप्ता फैमिली को, उसके एवज में उन लोग माल बेच के थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करे जा रहे हैं, जिसके वजह से आम आदमी या जो फ्लैट खरीदार है वो भी आगे जाके अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाती है और कोई भी कारण से गवर्नमेंट OC नहीं देती है, तो सबका पैसा भी अटकेगा और सबको तकलीफ होगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके काका थे जिन्होंने इसमें पार्टनरशिप कराई, और सारे पेपर ओरिजिनल किसके पास पड़े हैं उसके बारे में? सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ब्रिजमोहन गुप्ता के पास ही रखे हुए हैं,
बट क्योंकि हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए वो एक भी डॉक्यूमेंट हमारे को देने को तैयार नहीं है, और हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट जो अंकल गुजर चुके हैं वो काफ़ी साल पहले ले गए या फिर सुरेश रॉफ के पास आए। सबसे बड़ी चीज़ है, आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्योंकि जो ये ठग हैं, क्योंकि और भी कई केसेस में ये श्राफ और उनके लोग जो साथीदार है अरेस्ट हो चुके थे, उन मामलों में उनको गिरफ्तारी भी हुई है, और जो जिन और लोगों को ये लोग फ्लैट बेच रहे हैं उनको किस तरह का मैसेज देंगे कि अगर फ्लैट बेच रहे तो उससे पहले आप उस चीज़ की जानकारी करते हैं। हमने इसके लिए पब्लिक नोटिस भी डाली है, और जो पहले भी कि भाई फ्लैट ओनर्स जो हैं ये प्रॉपर्टी में सोच समझ के खरीदें कि भाई आगे जाके फंस अटक सकते हैं, फंस सकते हैं, क्योंकि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, प्लस हमारा उनके साथ टाइटल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि हक हमारा लगता है। हमने और अलग अलग जगह प्रशासन को भी हमने कंप्लेंट्स डाली है, SRA में भी कंप्लेंट्स डाली है, रेरा में डाली है। रेरा में जब कंप्लेंट डाली तो हमें पहली बार आया कि हमारे साथ चीटिंग इस तरीके से हुई है कि हमारे अंकल ब्रिजमोहन गुप्ता और सुरेश श्रॉफ ने 2 MOU बनाए हैं, एक MOU में स्कूल के राइट्स गुप्ता फैमिली को देते हुए और एक MOU में स्कूल के राइट्स गुप्ता फैमिली को जो है उसका क्लॉज ही हटा दिया है, जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ खुद रेरा में सेट बिल्डर ने सबमिट किया है, प्लस सामने सेट बिल्डर ने अपने खुद के स्टेटमेंट में यह बोला है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे को कभी सुरेश श्रॉफ ने मेरे साथ शेयर नहीं किए। तो ये सुरेश श्रॉफ और सेट बिल्डर की भी मिली भगत है, क्योंकि 2017 में जब पहली बार हम सेट बिल्डर से मिले थे, हमने जब ये कंपनी छोड़ी तब उसको सब चीज़ मालूम थी Day 1 से। तो ये तीनों चारों जन की मिली भगत है कि कैसे भी करके ये हमारे जो गुप्ता फैमिली का 200-250 करोड़ का राइट्स है उसका गबन करके ये पूरे फ्लैट ओनर्स को भी अटकाएंगे। ये चीज़ इसमें जवाबदार आप किसको मानते हैं, श्रॉफ को या सुरेश? सुरेश श्रॉफ और ब्रिजमोहन गुप्ता और साथ साथ में सेट बिल्डर्स, क्योंकि चारों को वो 250 करोड़ का लालच आ गया है कि कैसे भी करके ये पैसा गबन कर दिया जाए, क्योंकि दो जन जिनका हक लगता है वो शांत हो चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इनके आगे कोई है नहीं कि ये केस को आगे बढ़ा सके। आपने पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस ने किस तरह से इस पे एक्शन लिया है, क्योंकि 2 अक्टूबर को FIR हो गया, उसके बाद क्या एक्शन अभी तक पुलिस ने? ये जो कंप्लेंट FIR जो हुई है वो राजीव गुप्ता जी की तरफ से हुई है, मैं विक्की गुप्ता हूँ, मेरी कंप्लेंट अलग से रेरा में चल रही है। तो एक मैं नहीं गया था, राजीव गुप्ता गए थे अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, आज वो है नहीं, इसलिए उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो उन्होंने प्रशासन से गुजारिश की, डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनको, ये जो 2 फॉर्ज मतलब डॉक्यूमेंट बना के एक ही तारीख का डॉक्यूमेंट 2 बनाया हुआ है, उसी के बेस पे फिर पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। प्रशासन से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे जैसे चीटर लोगों को आप जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए और इन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि आम जनता जो है ऐसे लोगों के साथ ठगी में फंसे नहीं, ताकि क्योंकि उनको आज फ्लैट तो वो खरीद लेंगे लेकिन उनको पोजेशन जब मिलेगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट जब होगा जब ये बाहर रहेंगे और लीगली प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और हमारे ड्यूज हमको देंगे, जो अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो आम आदमी का पैसा फंसा ही रहेगा हमेशा।